बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। अच्छा, सही हो गया। हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे, ऐसे बगैर। सर, बच्चे को हम किस तरह की तालीम दे रहे हैं? इंडिया में दिखाएं, इंडिया पानी छोड़ता किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए इसलिए। सर, इंडिया पानी इसलिए छोड़ता कि हमने अपने दफा नहीं किया हुआ। आज हम डैम बना लेते तो क्या इंडिया का पानी हमें कुछ कहता नहीं? अगर इंडिया ऊंचा ना होता फिर हम उससे सवाल करते ना। इंडिया ऊंचा है तो वो पानी छोड़ सकता ना। अगर पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान की ज़्यादा इंडिया इज्जत है या फिर इंडिया की? पाकिस्तान की। सर, मुझे बताएं किस तरह से ज़्यादा इज्जत है? ये हर वाले से ही। सर, कोई एक वाकया बताएं, कोई एक वजह बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे वुमन जो हम शो करते हैं जी पाकिस्तान में ये चीज़, अगर बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें देखें तो वहाँ भी गुर्बत इंतहा दर्जे की है। हम अपना दिफा करना नहीं जानते, हम दूसरों को बुरा कहना चाहते हैं। करने तो आएंगे सारे, देखे ना, ये थोड़े बैठे हैं दिफा करने के। सर, अगर हमारे पास एजुकेशन होती, हमारे पास इलम होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। आज हम अपने कलम से दुनिया को काबू करें। हुक्मरान ही गलत है भाई जान। सर, आप हुक्मरानों पर ना डालें, अब आप हुक्मरानों पर ना डालें, आप अपने ऊपर भी आए, आप अपनी बात भी करें। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं छोटे? कि जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उन मुसलमानों की इज्जत है दुनिया में? इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोग देखो, जिस बच्चे के हाथ पे किताब और कलम होनी चाहिए, 3 साल का बच्चा है, पूरा बोल भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, उस बच्चे के हाथ में आज खंजर है। जिहाद के नाम पे पाकिस्तान के लोगों में इतना भूत सवार है कि छोटे बच्चों के माइंड में जहर घोल रहे हैं और उन बच्चों को खंजर थोप रहे हैं। आप लोग देखो, इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेकिन बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। अच्छा, सही हो गया। सर, बच्चे को हम किस तरह की तालीम दे रहे हैं? बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाना चाहिए, और बच्चे को इसके मुतलिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतलिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने हसना के मुतलिक क्या कुछ बताया हो आपने? बड़ा कुछ, सिर्फ जंग करना ही बताया या कोई उनके अखलाक भी बताया? कुरान सब कुछ बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मुबारक, हर चीज़ जो सरकार की सुन्नत मुबारक है उसमें चलने की हमें तरीका बताया। कितने बच्चे हैं आप? मेरे दो बेटे हैं। ये सबसे बड़ा? ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा, सही हो गया। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी ड्रेसिंग की है। लेकिन क्या हम दुनिया को मैसेज तरवाल उठा के देंगे या अमन उठा के, कुरान मजीद उठा के कहेंगे कि ये पढ़ो, या तरवाल उठा के ये कहेंगे कि भाई हमारी पहचान इससे है, इससे पहचान करो हमारी? कुरान पाक की जो बेरहमती करेगा उसकी सर कलम ही है। सही हो गया। सर, जो कुरान मजीद को पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं इसको बुलंद करें और बुलंद पढ़ें और दीन पे बुलाएं, सारे पाकिस्तान में बताएं कि कुरान पाक ये तहफ्फुज़ है हमारा, दीन इस्लाम कुरान है। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। सर, आप इनके बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। सही हो गया, जो मुसलमान है वो एग्री करेगा, जो काफिर होगा वो कभी नहीं करेगा। बिल्कुल सही हो गया। सर, कैसा समझते हैं कि इस्लाम की हम पासदारी, इस्लाम को आगे कैसे तरीके के मुताबिक, कौन से तरीके को अपनाएंगे तो हमारे इस्लाम दुनिया में बोलबाला? इस्लाम के खिलाफ कुरान के यानी तरीके पर चलेंगे तो इस्लाम पर मुसलमान कहलाएंगे ना। जब हम कुरान पर अमल ही नहीं करेंगे तो मुसलमान कैसे कहलाएंगे? सर, लगता है क्या आपको आज के मौजूदा टाइम के अंदर मुसलमान की, एज आप मुसलमान हैं, आप इर्द गिर्द देखें, मुसलमान की ज़्यादा इज्जत है दूसरे फिरकों से? हराम खाने से बेहतर है मुसलमान की इज्जत कर लीजिए, वो बेहतर है। हराम नहीं खाना चाहिए जी? कौन किस हराम की बात कर रहे हैं? जो मुझे आप इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया तरक्की भी जा रहा है, हराम खा के जा रहा है, हम हराम नहीं खा के जा रहे। इंडिया हराम खा के जी? किस तरह से हराम खा रहा है, आप थोड़ा डिफाइन करें उसको। ये तो आपका सवाल है ना, आपको डिवाइड करें ना, किस तरह वो तरक्की पे जा रहा है। सर, दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत है, दुनिया से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी पाकिस्तानी तरक्की है वो है आपके कहने की, सबसे बड़ी तरक्की पाकिस्तानी है? हाँ जी। कहाँ पर है पाकिस्तान? मुझे नज़र नहीं आ रही आप कितनी दुनिया की, कहीं सड़कों पर दिखाएं ना आप दुनिया, इंडिया में कहीं दिखाएं। इंडिया पानी छोड़ता किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए इसलिए। सर, इंडिया पानी इसलिए छोड़ता कि हमने अपने दफा नहीं किया हुआ। आज हम डैम बना लेते तो क्या इंडिया का पानी हमें कुछ कहता नहीं? अगर इंडिया ऊंचा ना होता फिर हम उससे सवाल करते ना। इंडिया ऊंचा है तो वो पानी छोड़ सकता है ना। अगर दुनिया के बहुत सारे, यही पाकिस्तान ऊंचा होता तो फिर इंडिया के हम बताते हैं, इंडिया का कैसा सवाल किया जाए? दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो कि ऊंचे भी हैं नीचे भी हैं, वो अपने दिफा करना जानते हैं, हम अपना दिफा करना नहीं जानते, हम दूसरों को बुरा कहना चाहते हैं। करने तो आएंगे सारे, देखे ना, ये थोड़े बैठे हैं दिफा करने के। सर, अगर हमारे पास एजुकेशन होती, हमारे पास इलम होता तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। आज हम अपने कलम से दुनिया को काबू करें। हुक्मरान ही गलत है भाई जान। सर, आप हुक्मरानों पर ना डालें, आप अपने ऊपर भी आएं, आप अपनी बात भी करें। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं छोटे? आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हुक्मरानों की वजह से हो रहा है। हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे, ऐसे बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक कौम जिहाद करती रहेगी वो बाइज्जत रहेंगे। इसलिए जब से पाकिस्तान बने इस तरह कोई सूरत हाल ही नहीं हुई, इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि या तो इनको अच्छे तरीके से लगाम दी जाए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा तो तहरीक अल्लाह के फजल से ये सारे इकदाम करना जानती है। सर, जंग हम किससे करेंगे,
कितने किन के गैर मुस्लिम लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ बकवासात करते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन करते हैं, जो कुरान पाक, ये सब काफिर लोग हैं, इनके यही इनका हल है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये तो हम अपना फरीजा अदा करें जिनके पास कोई ताकत नहीं है। सर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कभी किसी शख्स ने ऐसा कोई काम किया हो और उसके खिलाफ जंग की हो, ऐसा कोई वाकया मिलता हमें? बड़े काब बिन अशरफ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही कत्ल कराया, ऐलान फरमाया भी कौन उसको कत्ल करेगा, तो साहबा ने की जूरा में वो उसको कत्ल करवाएगा। और बेशुमार वाकयात हैं, एक थोड़ा है, साहबा ने अपने अजीज़ अकरम मामू का किसी ने सर ला दिया, किसी ने अपने बाप का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत सबसे आला इज्जत है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं है, अगर वो है तो सब कुछ है। आप मुझे बताएं मौजूदा टाइम के अंदर हमारी दुनिया में ज़्यादा इज्जत है या इंडिया की ज़्यादा इज्जत है? हमारी इज्जत है। किस तरह से हमारी इज्जत? हमारी किसी भी दुनिया में मुसलमान ही की इज्जत है, वो बज़ाहिर देखे ना टेक्नोलॉजी, जैसे आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी दौर है मुसलमान की, मैं यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ज़्यादा इंडिया इज्जत है या फिर इंडिया की? पाकिस्तान की। सर मुझे बताएं किस तरह से ज़्यादा इज्जत है? ये हर वाले से ही। सर कोई एक वाकया बताएं, कोई एक वजह बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे वुमन जो हम शो करते हैं जी पाकिस्तान में ये चीज़, अगर बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें देखें तो वहाँ भी गुर्बत इंतहा दर्जे की है, वहाँ भी ये लाचार बेकानूनी हर जगह पे है, लेकिन हमारे चूंकि शो किया जाता है ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो चूंकि दिखाते नहीं है, मसला सिर्फ ये है मुल्क की बदनामी करते हैं। उनकी दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन गई, पांचवी बड़ी मईशत इंडिया ने बना ली है, दुनिया क्यों सलूट कर रही है, दुनिया की सबसे बड़ी आलमी मंडी बन गया वो। सर मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास ना पैसा है, आपके पास बिजनेस है, कारोबार है, तो दुनिया आपको सलूट करेगी, आपका भाई भी आएगा, आपको नहीं भी जानता वो भी कहेगा मेरा भाई है, इसको आगे बढ़ाओ। सर यही सीन हो रहा है इंडिया के साथ, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे, हम बाहर से जो भी कंपनियां आ रही हैं उनके साथ हम मिलके काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बेसलूकी गद्दारी के मामला उनके साथ भी हम करते हैं। हमारे पाकिस्तान में और हमारे इस्लाम में और मुसलमानों में बड़े बड़े अजीब और बड़े बड़े कमाल के लोग मौजूद हैं, जो टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं, हर शोभा है ज़िंदगी में, कमाल महारत रखते हैं। और मैंने तारीख की बात बता रहा हूँ कि इस्लाम और मुसलमान जो हैं, मुसलमानों ने तमाम जो भी टेक्नोलॉजी है ना वो मुसलमानों ने ईजाद की हैं, और इन्होंने आज बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारे यहाँ जो एटम बम मौजूद है ये मुसलमान ने ईजाद किया है, मुसलमान ने इसको बनाया, पाकिस्तान में एटमिक बम जो बनाया है ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बनाया है, ये फखरे पाकिस्तान है हमारे लिए। अब्दुल कदीर साहब रोड पे मर गए, हमने उसकी रिस्पेक्ट की जी, हम तो उनके साथ खड़े थे, हम इंशाल्लाह अज़ीज़ आज भी उनका नाम लेंगे। पाकिस्तान के कोई भी बैंक में उनका अकाउंट नहीं बना, इसी वजह से नहीं बनाया कि इनका ताल्लुक बॉम्ब बनाने वाले टेक्नोलॉजी से, बॉम्ब बनाने वाले के सिफ्त में पाकिस्तान में, क्या इस वजह से कोई तरक्की नहीं करता, कोई बड़ा बंदा जो हमारे बढ़ चढ़ के आगे नहीं आता कि पाकिस्तान में जो बड़ा काम करता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं? हमने असल में अपने इस्लाम का जो असल पैगाम है ना वो लोगों को बताया ही नहीं है, हमने यही बताया कि भाई मुसलमान जो है वो दहशतगर्द हैं, ये बात असल में नहीं है। हमारा मजहब हमें ये कहता है कि जो बंदा एक हथियार बनाता है, तीर बनाया, बनाने वाला भी जन्नत में जाएगा, खरीदने वाला भी जन्नत में जाएगा, और ख़रीद कर मुजाहिद को देने वाला भी जन्नत में जाएगा, और जो चलाने वाला है वो भी जन्नत में जाएगा। जब एक तीर की वजह से चार बंदे जन्नत में जा रहे हैं तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जो काम किया उसकी वजह से तो सैकड़ों लोग जन्नत में जाएंगे ना इंशाल्लाह अज़ीज़। ये हमारी पावर है और इस्लाम की ये पावर है, और इस्लाम अपनी पावर रखता है इंशाल्लाह अज़ीज़, करीब है वो वक्त कि इस्लाम अपनी पावर दिखाएगा इन लोगों को। दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तान में अभी रोडों पर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि तुर्की के अंदर जो पाकिस्तानी डंकी मारकर गए 80,000 उनको तुर्की ने वापस खदेड़ दिया, क्योंकि ये लोग तुर्की में डंकी मारकर जाते हैं, फिर वहां पे प्रोटेस्ट, लड़ाई, झगड़ा, चोरी ये सब करते हैं। यही फ्रांस के साथ हुआ, फ्रांस में जो डंकी मारकर पाकिस्तानी गए थे उन्होंने पाकिस्तान में आतंक मचाया और पाकिस्तान ने आतंक को जला दिया फ्रांस को, आप लोगों ने देखा होगा फ्रांस को पूरा जला दिया इन लोगों ने। यही देखकर आज तुर्की समझ गया और तुर्की ने इन पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया, तो आज आप लोग देखो ये लोग पाकिस्तानी रोडों पर है, और जिस बच्चे के हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए उस बच्चे के हाथ में खंजर है। इन लोगों के दिमाग में जिहाद का इतना भूत सवार है, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, इन लोगों को ये लोग देखना भी पसंद नहीं करते और इन लोगों को ये मारने काटने की बात करते हैं। यही है पाकिस्तान वालों की मानसिकता, इसी वजह से आज पाकिस्तान गरीबी में जी रहा है, आटे के लिए मौत आ जाए, क्योंकि कोई भी देश पाकिस्तान के लोगों से अपना बारे में टर्म्स बनाना नहीं चाहता, क्यों, इन लोगों की मानसिकता सभी देशों को पता है। ये लोग पीठ पीछे वार करते हैं, जो इंडिया के साथ में आए दिन ये लोग पीठ पीछे वार करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।